मैं मेरा खाजा फिनिश करता हूँ, ठीक है, और मिलते हम एक 5 सेकंड के ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए और वापस आना मत भूलना। मैं हूँ विजय और आप देख रहे सूरत 101। क्या क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, और कहाँ से आ रहे हो आप? मोड़ासा से, अरवली। मस्त हिंदी बोलते हो। अच्छा, ये कितना कितना केजी है? कितना केजी माल है ये? 10 किलो आटा लिया है। 10 केजी आटा, 10 किलो आटा। और मसाला कितना है? 5 किलो। टोटल 15 किलो। 4 किलो तेल अंदर। 4 किलो तेल, और कौन कौन सा तेल? तिरुपति। अच्छा, ये शुरू कितने बजे हो जाता है? आप सुबह कितने बजे शुरू करते हो? सुबह में 7 बजे। और 7 बजे से लेकर कितना पूरा बनाने में कितने घंटे लगते हैं? इसमें तो 3 घंटे लगते हैं। टोटल 3 घंटे। तो रोज सुबह आकर ये बड़ा सा परात भर के आटा बनाने का रोज सुबह? हाँ, रोज सुबह। और ये पूरा साल चलता है? और खाजा के सीजन में ज्यादा 4 बार लगाना पड़ता है। एक दिन में 4 बार? 4 बार, 4-5 बार हो जाता है, यानी 60-70 किलो हो जाता है। हाँ। खाजा के सीजन में ज्यादा हो जाता है, इससे पूरा पूरा खराब हो जाता है। आप अकेले अकेले करते हो? नहीं, दूसरा आदमी रहता है। तो आदमी मिलके क्या? हाँ, गोला बना रहा हूँ। वो बनाने के लिए 2-3 आदमी चाहिए। गोला बनाने के लिए 2 आदमी चाहिए। अच्छा, गोला बनाने के लिए? मतलब आटा मैं लगा देता हूँ, ये सप्लाई मतलब टैप करने वाला। हाँ, बर बर के देता है उधर पट्टी पे। ज्यादा बार ये 4 बार लगता है? हाँ, 4 बार। चार बार। अच्छा, इतना इतना खा जाते हैं? पूरा लाइन रहता है, फुल 25-30 आदमी का टोला रहता है बाहर। अच्छा, ट्रेन में से निकलते ही खड़े हो जाते हैं। अच्छा, गरम गरम ही चला? गरम गरम निकलता है। ये सीजन जो है वो कब शुरू होती है? वैशाख महीना है ना, वैशाख शादी मतलब शादी का सीजन पूरा हो जाता है ना, उसके बाद क्यारी आती है ना। क्यारी के, हाँ, आम के टाइम पे बहुत ज्यादा चलता है, तब से शुरू हो जाता है। और ये कितने कितना महीने चलते हैं? 2 महीना। 2 महीना? 2 महीना चलता है। 2 महीना फुल लगातार रोज का? 2 महीने तक रोज 4 बार ये रोज भर के, यानी 60-70 किलो रोज का आटा चला जाता है, निकल जाता है। सुबह में 4 बजे आते आटा लगा, 5 बजे में आटा लग जाता है। 5 बजे? हाँ, माल तैयार कर दे। और रात को कितने बजे तक खुलता है सीजन में? सीजन में लॉकडाउन जो 5 बजे बंद करेगा तो 5 बजे इस तरह लोट लगाते हैं लोग, लास्ट में कम लोट लगाते हैं। मतलब 5 बजे 6 बजे बंद टाइम देता है ना। हाँ। कि टाइम पे बंद तो टाइम पे बंद कर देता है दुकान, जो 5-6 बजे बंद करा देते हैं पहले लॉकडाउन में। टाइम देता है कि भाई इतने बजे दुकान, इतने बजे बंद हो जाएगी, इतने बंद बंद दुकान बंद कर देता है। बंद हो जाने के बाद माल नहीं बिकता है। तो आप रहते कहाँ? मैं यहाँ पे रहता हूँ, सोने के लिए उधर भवानी बढ़ जाता हूँ। भवानी? अच्छा, चाचा ने इंतजाम किया है सोने का? नहीं, मेरे दोस्त लोग रहते हैं ना। अच्छा, दोस्त लोग। तो गांव कब जाते हो आप? 16 तारीख को जा रहा हूँ। ये 16 तारीख? हाँ। गाँव जा रहे हो? हाँ, दो लड़की की शादी है। अच्छा, किसकी शादी? काका की लड़की की शादी है। देखो, तो यहाँ पे ये सब कौन करेगा? सबका संडे है ना, कल बन है राम जी मंदिर है ना, ये उसमें 23,000 का खाना बनाने का है। तो संडे, कल संडे के दिन बंद रहेगा? हाँ, बंद रहेगा। वो अकेला रहता है, थक जाता है बैठ के। सीजन में बंद नहीं रहता है? सीजन में पूरा संडे वनडे सब चालू रहता है। बंद रहेगा तो घर वापस चला जाएगा बंद देख के। नहीं, बाजू में से ले लेगा। बाजू वाले में हमारा घर आगे नहीं रहता है, उसका तेल भरा हुआ रहता है। हमारा खाजा पकड़ो तो तेल ही नहीं निकलेगा उसमें से। अच्छा, आपका खाजा ऐसे ऐसे पकड़ के तेल नहीं निकलेगा? कौन से तेल में आप तलते? कौन से तेल में? तिरुपति कपास से तेल। वो लोग क्या है, और इसमें जो डलता है? हाँ, वो अभी सरस्या क्यों बोलते हैं उसको? खाजा पहले सरस्या तेल में बनाया जाता है, यानी सरस्या नहीं, सरस्या तेल में बनाते पहले, अभी नहीं बनाते क्योंकि गर्म पड़ता है, सरस्या तेल गर्म रहता है। ये हमारी दुकान पहले 4:30 बजे खुलती थी, तभी खमन बमन सब बनता था, जली बनती थी, पैटिस बनती थी,
कभी शहर में शहर डेवलपमेंट नहीं हुआ था बाहर, पर आज की तारीख में शहर डेवलप हो गया, बाहर दुकान खुल गई, बाहर में सब जो यहाँ बिकता था वो सब बाहर बिकता हो गया, यह शहर डेवलप हो गया, पब्लिक बाहर चली गई, जो नजदीक में रहने वाले थे वो लोग बाहर चले गए, उसके लिए ये धंधा सीमित हो गया, जो प्रॉपर यहाँ का है वही खाने आते। अच्छा, ये और कौन सी जगह मिलता है खाजा? ये खाजा हमारे भागल सिवा कोई जगह नहीं मिलता है। ये हीरे का नाम क्या है? बरानपुरी भागल। बरानपुरी भागल, और ये सूरत का फ्यूज है ये भागल। एक जमाने भागल पे सब लोग आते थे, हर चीज लेने के लिए भागल पर ही मिलता था, शादी का हो चाहे जन्म का हो चाहे मरण का हो, वो सब चीज भागल पर ही लेने आते थे बरसों पहले। पर आज शहर डेवलप हो गया, बाहर सब कोर्ट विस्तार के बाहर दुकान खुल गई, आने जाने वाली पब्लिक बाहर चली गई। और कोई जगह कोई बनाता है फॉर एग्जाम्पल? बनाते तो सब जगह पर, सब पर हाँ। तो हमारा खाजा हमें ग्राहक को बोल के देते हैं, आपसे खाजा है बहुत तीखा नहीं आएगा, तीखा खाना हो तो बाहर से खाना ले लो। सुबह 4 बजे से 4 बजे सब खुलता था, तभी हमारे पैकेज जलेबी खमन सब बनता था। हाँ, पर अभी धंधा कम हो गया समझो, अभी प्रॉपर हमारा खाजा ही चलता बस, खाजा और फरसान। आप खमन वगैरह कुछ नहीं? खमन बनाते, पर अभी कोरोना की वजह से सब धंधा वही धंधा है। जब आपके पिताजी ने शुरू किया था तो खमन वगैरह सब बहुत अच्छे से, अच्छा खमन बिकता था, अच्छे से जलेबी बिकती थी हमारी। तब कितने बजे दुकान खुलती थी? 4:30 बजे सुबह, 4:30। हाँ, और 12 बजे बंद होती थी। अच्छा, भगवान की बहुत मेहरबानी थी, चाय भी अच्छी बनती थी हमारी, चाय के साथ। हाँ, चाय, सेव बटाका, सेव खमनी। सेव बटाका सर्वे मिलता नहीं होगा हमारे जैसा, सेव बटाका। सेव बटाका हाँ बहुत चलता था, और बटाका बड़ा छोटा बनता था। ये सब ब्रेकफास्ट आइटम ही हाँ, सब बहुत अच्छी तरह चलता था, भगवान की मेहरबानी, ग्राहक की मेहरबानी। अच्छा, ये कितने दिन तक सही रहता है, कितने दिन तक? ये हमारा खाजा 20-25 दिन अच्छा रहता है, 20-25 डेज। हाँ, 25 दिन तक खराब नहीं होगा, बिना तेल का आता है हमारा खाजा। आपने साथ में यही सब भी चलता है, ग्राहक आते दे देना पड़ता है, देना पड़ता है। मिर्ची चटनी चटनी कौन सी? वो कड़ी वाली चटनी, कड़ी वाली चटनी खाते लोग, ग्राहक की मेहरबानी है, ग्राहक परेशान, और खाजा हमारा बहुत अच्छा चलता है बस। सुबह में मतलब नाश्ता करना है तो आपके पास कई सारे के साथ बहुत अच्छा लगता है, कई सारे ऑप्शन है चाय में। आप सुबह में नाश्ते के साथ खाजा खाते हो या चपाती खाते हो? नहीं नहीं, चपाती खाते, चपाती, ये खाजा नहीं खाते? खाजा लोगों को किया खाते नहीं हो? भरक के लिए भरक अच्छी चीज है। अच्छा, भरक खाए तो अच्छा रहता हमें पास, सही है, हमारे लिए पकवान है, एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम गरम गरम टेस्ट भी इसका एकदम। तीखा भी नहीं है, बात आएगा तीखा बनाते ही नहीं। नहीं सही है, एकदम मस्त टेस्ट है, खाने के पास टेस्ट बहुत अच्छा है मुंह में, खाने के बाद फिर तीखा लगे मुंह में, शक्कर नहीं खाना पड़े, शक्कर नहीं खाना पड़े, मतलब माइल्ड तीखा है, और इतना क्रिस्पी कुरकुरा भी बहुत अच्छा है, बिस्किट जैसा एकदम, बहुत अच्छी चीज है। सुबह से मैं वेट कर रहा था, अर्ली इन द मॉर्निंग आ गए थे हम लोग, और पूरा प्रोसेस देखा बनते हुए, कैसे बनता है, कैसे इसका मसाला तैयार होता है, पूरा प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग है, मेहनत काफ़ी है इसमें। अभी भी जो शेफ़ है दिनेश भाई, वो अभी भी लगे हुए हैं, और आज कम से कम 30-40 किलो तो निकाल ही देंगे। मैं मेरा खाजा फिनिश करता हूँ, एंजॉय कीजिए और वापस आना मत भूलना। मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं सूरत 101।